नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल यादव। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप सभी की जेब में रखे ATM कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ATM कार्ड इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति का 10 लाख रुपए तक का बीमा होता है। बैंक का ATM कार्ड आपको कभी भी पैसे ही उपलब्ध नहीं करवाता, बल्कि और भी कई बड़ी सुविधाएं हैं, वो भी ऐसी सुविधाएं जिसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होता। क्या आप जानते हैं कि यदि आपके पास किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक का ATM कार्ड है तो आपको फ्री में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिला हुआ है। दुर्घटना होने पर आप संबंधित बैंक से इंश्योरेंस के तहत मिलने वाली रकम ले सकते हैं। अधिकांश लोगों को इन नियमों की जानकारी नहीं होगी। आज हम बता रहे हैं कि ATM कार्ड से जुड़ा आपके फायदे का नियम क्या क्या है। गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट बैंक तक सभी अपने कस्टमर को एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर और एक्सीडेंटल डेथ कवर देती है। यह इंश्योरेंस 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का होता है। इनका फायदा उन्हीं कस्टमर्स को मिलता है जिस संबंधित व्यक्ति ने 60 दिनों के अंदर वित्तीय लेनदेन किया है। चलिए दोस्तों, इस स्कीम को क्लेम कैसा करना है हम इसके बारे में बता देते हैं आपको। इस स्कीम के तहत किसी भी ATM होल्डर की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 से 5 माह के भीतर बैंक की उस ब्रांच में जाना होगा जहां पर उसका अकाउंट है, और उसी ब्रांच में मुआवजे का एप्लीकेशन देना होगा। मुआवजा देने से पहले बैंक यह चेक करेगा कि संबंधित व्यक्ति ने 60 दिनों के अंदर वित्तीय लेनदेन किया है या नहीं। इस इंश्योरेंस के तहत विकलांगता से लेकर मौत होने तक अलग अलग तरह के मुआवजे का प्रावधान है। साधारण ATM कार्ड, मास्टर कार्ड, क्लासिक ATM पर अलग अलग तरह की मुआवजा राशि है। आप अपने बैंक में जाकर यह पता कर सकते हैं कि आपके ATM कार्ड पे कितना बीमा मिला हुआ है। कोई भी दुर्घटना होने पर सबसे पहले पुलिस को सूचित करें। पुलिस रिपोर्ट में एक्सीडेंट से जुड़े सभी तथ्यों का जिक्र होना चाहिए। इसके अलावा जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उससे जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए। अगर संबंधित व्यक्ति अस्पताल में है तो उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हों। यदि व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बैंक चेक करेगा कि संबंधित व्यक्ति ने बीते 60 दिनों में ATM से कोई ट्रांजेक्शन की है या नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस में आपके खाता संचालित रहना चाहिए। 60 दिन का टाइम पीरियड है, उसके अंदर में आपका ट्रांजेक्शन दिखना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा जानकारी आपके ATM के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सबके लिए ऐसे ही जानकारी लाते रहूँगा। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।